सो हेलो एवरीवन, सो आज हम ट्राई करने वाले हैं राजकोट के बहुत ही नामचीन स्ट्रीट फूड राजकोट के, क्या कहता है? तो आज हम ट्राई करेंगे राजकोट के बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्ट्रीट फूड जिसके बारे में हमको नहीं पता, बट हार्दिक को थोड़ा नॉलेज है इस कैटेगरी में। तो ये हमको आज गाइड करेगा और होपफुली अच्छा अच्छा हमको खिलाएगा। अच्छा तो हार्दिक, फर्स्ट ऑफ हमारा क्या है हमारे जनता के लिए, व्यूअर्स के लिए? आगे देखो। अच्छा, हमारे लिए भी सरप्राइज ये ना है। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो फाइनली हमारा डिसाइड हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं खाओ गली अपोजिट टू प्रेम मंदिर कला रोड, और वहाँ पे हम क्या खाएंगे हार्दिक भाई? बहुत बड़ी है वो तो स्ट्रीट। अच्छा, तो उसमें से स्पेसिफिक हमारा कुछ हमने चूज किया है, क्या खाएंगे? चिल्ला नहीं, वड़ा पाँव हार्दिक कह रहा है। सो आज हम वड़ा पाँव ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस उठाएंगे कि भाई वड़ा पाँव कैसा है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खाओ गली ऑपोजिट प्रेम मंदिर कला रोड राजकोट, और ये इतनी बड़ी है गाइस, आप सिर्फ ये गली देखो और आपको यहाँ पे सब तरह की कैटेगरी वैरायटी की फूड मिल जाएगा। और अभी तो फर्स्ट हमने सोचा क्यों ना इसको पहले एक्सप्लोर कर ले सभी जगह से, सो हमने वो किया और फाइनली हम लोगों की एक क्या कहते हैं इच्छा हो गई कि हम लोग पहले भूंगरा बटेटा खाएंगे। सो हमने पहला स्टॉप लिया किशन भाई बटेटा वाला के पास और हमने यहाँ पे ऑर्डर किए हमारे भूंगरा बटेटा। सो ऑन एंड अराउंड गाइस, ये पूरी गली है अराउंड 6 to 6:15 को ओपन हो जाती है, और इन्होंने अभी सिर्फ इनका स्टॉल ओपन ही किया था और ये हमारे लिए बना रहे थे, उन्होंने बोला कि हमने जस्ट ओपन किया है। सो बस हमने तो देखा कि भाई ये लोग कैसे बना रहे थे, ओपनिंग वोपनिंग की, और हमने हमारा ऑर्डर कर लिए भूंगरा बटेटा विथ पीनट्स इन इट, और हमने सोचा क्यों ना ट्राई ही कर ले कुछ पहली बार न्यू। सो या ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इन्होंने सजा के दिया, सर्व किया है, और फाइनली हमने इसको टेस्ट भी किया, और भाई टेस्ट की जो बात करूँ वो तो था बढ़िया। सो गाइस, अभी हमने जो हमारा कम्प्लीट ही किया तो हमने देखा थी भाई भी तो बहुत ही बढ़ रही थी इतने कम समय में, क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी ओपन ही किया था इनका स्टॉल और भीड़ अभी इनकी शुरू हो गई। सो आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ की हर एक फूड आइटम बहुत ही बढ़िया है, मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पे एक बार विजिट करें और टेस्ट ज़रूर करें। सो हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉप की ओर, जो है हमारा वड़ा पाँव जो हमने पहले से डिसाइड किया था, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आपको चाइनीज़, पंजाबी, साउथ इंडियन, पिज़्ज़ाज, बर्गर आपको सभी मिल जाएंगी, और यहाँ पे कई सारे लोग क्या कहते हैं वुमेंस भी अपना स्टॉल लगाती है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने दम पे कुछ इनिशिएट भी कर रहे हैं। सो या डू सपोर्ट। सो फाइनली गाइस, वी आर एट जिल्लानी वड़ा पाँव, जिसके लिए हमने पहले से रेडी करके सोच ही लिया था कि भाई हमें यहाँ पे जाना है, और इनकी जो स्पीड थी वड़ा पाँव बनाने की वो तो भाई थी एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पे सभी कस्टमर्स को अराउंड 10 सेकेंड के अंदर वड़ा पाँव मिल ही जाता था, क्योंकि ये एक ही साथ इतने सारे वड़ा पाँव बनाते थे, दूसरी तरफ उनके दूसरी तरफ वड़े भी बन रहे थे, मिर्ची जो इनको ये लोग देते हैं कस्टमर्स को वो भी मतलब अनलिमिटेड ही होती है, जिसको जितनी खानी हो, और वो सब काम इनका साइमल्टेनियसली एक ही साथ चल रहा था। और इनके जो वड़ा पाँव की खास बात यह है ये बहुत ही अच्छे हैं, नेक्स्ट लेवल स्पाइसी भी बनाते आप जैसा बोलो, और इनके जो वड़े हैं कंपेयर टू अदर वड़ा पाँव, मैं किसी की कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट इनके जो वड़े वो बहुत ही क्या कहते हैं बड़े हैं, नेक्स्ट लेवल है, और खाने में भी डिलीशियस है। और मैं तो चाहता हूँ आप इस प्लेस को ज़रूर से एक बार विज़िट करें, और फिर से एड्रेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑपोजिट टू प्रेम मंदिर कला रोड राजकोट। गाइस, हमारा एम तो था वड़ा पाँव खाने का, बट हमने पहले भूंगरा बटेटा भी खाए जो बहुत ही हमें बढ़िया लगे, और बाद में जो वड़ा पाँव खाए उसका जो वड़ा और जो उसके जो क्या कहते हैं मिर्ची जो उसकी फेमस है वो तो यार कातिल थी, और मेरा पेट तो वैसे ही भर गया, पता नहीं घर जाके डायरेक्ट सो ही जाऊंगा। अगर आपको भी कोई सजेशन देना हो आप मेंशन कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो फाइनली अभी हम खाएंगे हमारे वड़े पाँव। Yeah.